नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बड़ी बैठक की है। कनाडा में मौजूद हिंदू और सिखों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वो अहमदाबाद में महिला नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रम में भी वे शिरकत करेंगे। केरल के कासरगोड के बड़िया डखा के पास पल्ला थुक्का के में एक स्कूल बस और ऑटोरिक्शा के बीच टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 26/11 आतंकी हमलों के गुनहगार तहव्वुर राणा के खिलाफ 405 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक के खिलाफ ये चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवकों को सरकारी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। इन युवाओं को सरकारी नौकरी अलग अलग विभागों में दी गई है। नई दिल्ली के रायसीना रोड स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। बांग्लादेश में डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा 900 पार कर गया है। पिछले साल की तुलना में इस बार डेंगू बांग्लादेश में कई गुना ज्यादा तबाही मचा रहा है। इतना ही नहीं, भारत और सूडान में भी डेंगू का मच्छर कहर बरपा रहा है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पंकजा मुंडे को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुले ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी का अपने ही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का चलन है। सांसद सुप्रिया सुले ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा, शिवसेना में मतभेद के बाद राज ठाकरे ने कभी यह बयान नहीं दिया कि शिवसेना मेरी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि महाराष्ट्र के कुछ इलाके में बारिश हो सकती है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 और 28 सितंबर को महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश की संभावना है। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने अपने एक बयान का दावा करते हुए कहा कि उसे अजीत ग्रुप में शामिल होने का प्रस्ताव मिला था, जिसे उन्होंने खुद ठुकरा दिया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का ऑडियो क्लिप व्यापक रूप से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने चुनाव से पहले नकारात्मक प्रचार से बचने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से पत्रकारों को ढाबे में ले जाने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कथित तौर पर कहा है। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले पर कल सुनवाई हुई, जिसमें ठाकरे समूह की ओर से मांग की गई सभी याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई की जाए, चूंकि ये अलग अलग साक्ष्य देना चाह रहे हैं। भारत की तरफ से हरदीप सिंह निज्जर के खालिस्तानी आतंकी होने के सबूत पेश किए जाएंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। एशियन गेम्स 2023 में पहली बार क्रिकेट इवेंट में हिस्सा लेने के भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल मैच में श्रीलंका को 19 रनों से मात देने के साथ ही गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। भारत को नेहा ठाकुर ने एक और मेडल दिलाया। उन्होंने सेलिंग यानी नौकानयन में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारत की मेन स्विमिंग टीम ने मिडले रिले इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने ओवरऑल हिट्स में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने हिट्स के लिए 3:40.84 का समय लिया। भारत की अंकिता रैना ने विमेन्स सिंगल्स टेनिस मैच में जीत हासिल करते क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अंकिता ने हांगकांग के खिलाड़ी को 6-1-6-2 से राउंड ऑफ 16 में हराया। भारत की भवानी देवी को तलवारबाजी में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें चीन की शाओ याके ने 7-15 से हराया। भवानी देवी कई मौकों पर अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन इस बार वे चूक गए। शाहरुख खान के जवान का दुनिया भर में जलजला आया हुआ है। फिल्म हर दिन रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है। अब ये फिल्म ग्लोबली 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। देव आनंद के फैंस के लिए आज का दिन खास है। 26 सितंबर 2023 को देव साहब की 100वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस खास मौके के लोग अलग अलग तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिग्गज एक्टर को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।